बच्चों, आपने क्लास थर्ड में वर्ण विचार पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वर्ण किसे कहते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण अक्षर की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विच्छेद का मतलब वर्णों को तोड़ना यानी कि विच्छेद करना कहलाता है। जैसे बालक, बा प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। इसी तरह से कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल। वर्णों के प्रकार, देखिए वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। आपने वर्ण के भी प्रकार पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी में कुल 11 हैं। अ आ इ ई उ ऊ रिर ए ए ओ औ। अयोगवाह, अंग और अंग और अहा भी वर्ण के अंत में आते हैं। इसका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि कंस, कंगन आदि। अंग इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक व गले दोनों से होता है, जैसे आंख, आंगन, हंसना। अहा इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन की बात किया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। देखिए नमः, प्रातः, सने आदि। आइए अब हम बात करते हैं स्वर की मात्राओं की। आपने देखा होगा कि आ स्वर को प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। यदि शेष स्वर आ और ई की व्यंजनों से भी मिलाया जाए तो स्वर का स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। आइए अब हम आपको मात्राओं का ज्ञान कराते हैं, जैसा कि आपकी किताब में पेज नंबर 12 पर दिया गया है। अ का प्लस अ का, कमल। आ का प्लस आ का, काकी। देखिए बड़ा आ है तो का प्लस आ प्लस का, काकी। छोटी की मात्रा का प्लस ई टी, किला। ई तो बड़ी की मात्रा आ रही है, का प्लस ई की, क्या बनेगा, कील। उ का प्लस उ को, तो क्या बनेगा, कुर्ता। उ किसकी मात्रा है, बड़ू की। का प्लस उ कु, तो क्या बनेगा, कूदना। रिर का प्लस रिर क्र, कृषक। ए का प्लस ए के, क्या बनेगा, केला। ए दो मात्राएं, का प्लस ए के, कैमरा। ओ का प्लस ओ को, कोयल। ओ का प्लस ओ को, क्या बनेगा, कौआ। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन की ऐसी ध्वनियां जिसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में का से लेकर के हा तक कुल 33 व्यंजन हैं। सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपसे वर्ण विचार के बारे में बात की थी और व्यंजन की बात करते करते हमने वहीं पर क्लास को एंड किया था। तो व्यंजन के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि कितने व्यंजन होते हैं। देखिए क ख ग घ अड़ा च छ ज झ व ट ठ
ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह। इसके अतिरिक्त चार संयुक्त व्यंजन भी होते हैं छा त्रा ग्या स्रा, जिसका निर्माण दो व्यंजनों के योग से होता है। इस कारण इसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे छा कैसे बनेगा, देखिए क प्लस स प्लस अ, कक्ष दक्ष पक्ष आदि, इस टाइप से छा से ये वर्ण शब्द बनेंगे। ज्ञ ज प्लस अ प्लस आ, ज्ञान विज्ञान। त्रा से त प्लस र प्लस अ, मित्र पत्र त्रिशूल। श्र स प्लस र प्लस अ, श्रम परिश्रम आश्रम आदि। अब देखिए द्वित व्यंजन, ये क्या होते हैं? जब दो या एक जैसे समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च टट डड, आधा का जिसको हम बोलते हैं, या आधा चा, देखिए इससे क्या शब्द बनेंगे, पक्का मक्का कच्चा सच्चा पत्ता कुत्ता भद्दा गंदा, तो ये हमें क्या कहलाते हैं, द्वैत व्यंजन। अब वर्णमाला, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला अर्थात वर्णों से तैयार की गई माला। जब स्वर और व्यंजन को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वह वर्णमाला कहलाती है। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। राग के विभिन्न रूप, अब राग के क्या विभिन्न रूप हैं, देखिए राग वर्ण के कुछ अनेक रूप भी हैं, जैसे कि रस सूर्य सर्प ट्रक क्रम आदि, ये सब राग के रूप हैं। आज आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।